ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से इस वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन कारकों पे निर्भर करती है। जैसे हमने देखा था कि सतह के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है कि सतह का क्षेत्रफल क्या है। दूसरा हमने देखा था कि जो आर्द्रता कितनी है, अगर पहले से आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। हवा के स्पीड क्या है, हवा तेज़ होगी तो वो जल वाष्प को अपने साथ में ले जाएंगी, जिसके कारण जो कपड़ों की सतह का ऊपर का वातावरण है, जो वायु है, उसमें नमी कम होगी, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। तो आज हम शुरू करेंगे वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप दिवाकर, चलिए शुरू करते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे आती है ये देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई बर्तन खुला है तो उसमें वाष्पीकरण निरंतर होता रहता है। वाष्पीकरण होने से क्या होता है कि सतह के आसपास की जो ऊर्जा होती है उसमें कमी होती है, क्योंकि सतह के जल के कण जो होते हैं वो आसपास की ऊष्मा को ग्रहण करके ऊर्जावान हो जाते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और आसपास जल वाष्प का निर्माण करते हैं, जिसके कारण ऊर्जा कम हो जाती है। तो द्रव के कण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आसपास से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अब आसपास से जहाँ से भी ऊर्जा मिलेगी वहाँ से ऊर्जा जो है ग्रहण करके करते हैं। तो जहाँ से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि एक जगह से अगर ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं तो उस जगह ऊर्जा में कमी हो जाती है और ऊष्मा में कमी होने के कारण वो जगह ठंडी हो जाती है। क्योंकि अगर मान लो आप उनकी में कुछ ऊष्मा है या कोई पदार्थ घर में, धीरे धीरे वो ठंडा होता है, तो ऊष्मा को जब खोएगा तभी ठंडा होगा। तो द्रव के कणों के द्वारा अगर ऊर्जा अवशोषित कर ली गई है तो क्या होगा, जिससे ऊष्मा ली गई है वो ठंडा हो जाएगा। अब जैसे आप उदाहरण दिया हुआ, एक एसीटोन का कण अगर आपके हथेली पे रखते हैं तो क्या होता है, जो एसीटोन के कण होते हैं वो हथेली में से ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमें हथेली ठंडी महसूस हो जाती है। तेज़ धूप वाले दिनों में शाम को क्या करते हैं लोग बाग, घरों के छतों पर पानी डालते हैं, उससे क्या होता है कि जो पानी होता है वो जो सतह होती है छत की, वहाँ से ऊष्मा अवशोषित कर लेते हैं। अब छत से अगर ऊष्मा जल के कणों में अवशोषित हो गई तो क्या होगा, वो छत ठंडी हो जाएगी, यानी छत अपनी ऊष्मा उस जल के कणों को दे देता है, जिसके कारण वो ठंडी हो जाती है। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन आता है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, शारीरिक प्रक्रिया में क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा पसीना आता है और पसीने के कारण ही हमें शीतलता मिलती है। कैसे मिलती है देखते हैं। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करके क्या होता है, वाष्प में बदल जाते हैं। अब वाष्पीकरण के प्रसुप्त ऊष्मा, जो पसीना आता है, मतलब जो पसीना हमारी कोशिकाएं निकालती है, वो द्रव की फॉर्म में होता है और वो द्रव की फॉर्म में जब बाहर आता है तो क्या होता है, वो जो पसीना होता है वायुमंडल से इंटरेक्ट करता है, वायुमंडल से इंटरेक्ट करके वो वाष्प में बदल जाता है। तो जो वाष्प में बदल जाता है, तो मैंने बताया था वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा के बारे में, कि जो वाष्प होती है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है और जो जल होता है बॉडी की सतह पर उसकी ऊष्मा कम होती है। तो ऊष्मा का अवशोषण वाष्प में हो गया है, वाष्प की फॉर्म में हो गया है, तो हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। और सूती कपड़ों में जल का अवशोषण ज़्यादा होता है, इस कारण वो जल का अवशोषण करके वायुमंडल में छोड़ देते हैं, कोई दूसरा होता तो वो वाष्पीकरण नहीं करने देता। तो सूती कपड़े जल का अवशोषण करके वायुमंडल में वाष्पीकृत कर देते हैं।
तो इस तरीके से सूती कपड़े सहायता करते हैं वाष्पीकरण में। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? देखिए, जो बर्फ पानी, अगर किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है और वो बहुत ठंडा पानी है और वायुमंडल में जो गैस है उसका तापमान पानी से ज़्यादा होगा, तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे ही वो उस ठंडे पानी के ग्लास के संपर्क में आएगी तो अपनी ऊर्जा किसको दे देगी? ठंडी ग्लास के सतह को दे देगी। और ठंडी ग्लास की सतह क्योंकि ठंडी है इसलिए ऊर्जा ग्रहण कर लेती है। अब ऊर्जा अपनी ऊर्जा देते ही वो क्या ठंडी होती है, संघनित हो जाती है और जो गैस होती है वो द्रव में बदल जाती है। तो इस तरीके से वो द्रव में बदलती है। अब दो स्टेट और हैं दोस्तों जो साइंटिस्ट ने प्राप्त किए, जैसे प्लाज्मा होती है। जैसे किसी गैस को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो उसके कण क्या बहुत ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं, तो गैस के कण आयनीकृत हो जाते हैं। इस आयनीकृत होने से क्या होता है, वो किसी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे हम ट्यूबलाइट में देखते हैं आवेशित हो जाने से वो किसी कलर को, किसी रंग की चमक देते हैं। जैसे सूर्य और तारों के चमकने का कारण ही प्लाज्मा स्टेट होती है। बोर आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है, इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000 भाग जितने कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर, पहली चीज़ तो इन्होंने एक सामान्य वायु के 1/1000 घनत्व वाली गैस ली, फिर उसको बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया और उससे एक नई इन्होंने पदार्थ की अवस्था निकाली जिसको बोर आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, इसको पांचवी अवस्था भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। और यह हमारा कक्षा 9 का पहला चैप्टर समाप्त होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।